सलाम अलैकुम मेरे सभी देखने और सुनने वालों, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ में बिलावल सरदारी ने एहतमाम किया अफ्तारी का उन सब पॉलिटिशियंस के लिए जो गाहे बगाहे एक दूसरे की तलवार खींचते रहे हैं मीडिया के ऊपर, बाजारों में, चौक में, चौराहों पर एक दूसरे की इज्जत नीलाम करते रहे हैं। सबको इकट्ठा किया एक मेज़ के ऊपर, ये इकट्ठ जोड़ जो था ये रमज़ान के महीने की बरकत का नहीं था, ये रमज़ान के महीने की बरकत का नहीं था। ये गठजोड़ चारों सूबों से चोरों को बुलाकर एक गठजोड़ जो बिलावल जरदारी ने किया, जो मरियम ने किया, ये सब का सब एक गठजोड़ जो है ये दो फैमिलियों के अबू बचाओ तहरीक का शख्साना है। बयानिया एक ही है, जो रकम लूटी है इस मुल्क से उसका हिसाब मत मांगो, नहीं तो हम इकट्ठे हो जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। बयानिया एक ही है कि सबको कुछ ना कुछ मराहत दे दो, रियायत दे दो, जाने का रास्ता दे दो, नहीं तो हम सब इकट्ठे हैं, हम सब उम्मीद से हैं, रोक सको तो रोक लो। ये चोरों का बयानिया है, लेकिन एक बात जो ये लोग भूल गए हैं और जो इनका साथ देने वाले लोग हैं वो भी एक बात भूल गए हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, और जब इन लोगों पर अल्लाह की तरफ से अल्लाह की लाठी पड़ेगी और लगाम खींच ली जाएगी तो फिर इनके बचने का रास्ता कोई भी नहीं रहेगा। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।